ये कहानी जेसिका नाम की एक लड़की की है। जेसिका एक बेहद गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी माँ तभी गुजर गई थी जब वो 8 साल की थी। घर में वो, उसका भाई और उसके पापा रहते थे। उसके पापा अक्सर शराब पीकर जेसिका को मारा करते थे। एक दिन ये सब इतना ज्यादा बढ़ गया कि जेसिका को अपने छोटे भाई को लेकर अपने घर से भागना पड़ा। वो दोनों बच्चे नागपुर से भागकर अब गोवा आ चुके थे। 15 साल की जेसिका ने भागने का डिसीजन तो ले लिया था, मगर वो अपना और अपने 9 साल के भाई का ध्यान एक अनजान जगह पर कैसे रखेगी, ये वो नहीं जानती थी। जेसिका और उसका भाई जॉन एक चर्च के सामने बैठ गए और वहीं लोगों से भीख मांगने लगे। तभी उधर से गुजर रही एक नन ने उन दोनों बच्चों को देखा और उनसे बात करने आ गई। जेसिका ने उस नन को सब कुछ बताया और उस नन को उन पर बहुत तरस आ गया। वो उन्हें अपने साथ उस चर्च में ले गई और जेसिका और जॉन ने वहीं रहना शुरू कर दिया। जेसिका ने जॉन का एडमिशन चर्च के ही एक स्कूल में करवा दिया और वो खुद एक प्रेयर ग्रुप की पार्ट बन गई। जल्द ही जेसिका का पूरा झुकाव गॉड की तरफ हो गया और चर्च ने उसे भी एक नन बना दिया। मगर नन बनने के बाद जेसिका के साथ कुछ ऐसा होना शुरू हो गया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक रात जेसिका अपने रूम में सो रही थी तो उसे अचानक दौरे पड़ने लगे। वो ऐसे चीखने लगी जैसे कोई उसे बहुत जोर से मार रहा हो। जब बाकी की नंस उसकी आवाज सुनकर उसके कमरे में आई तो वो हैरान रह गई। जेसिका का शरीर अकड़ा पड़ा था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थीं। वो दर्द से चिल्ला रही थी, मगर उसकी आवाज उसकी नहीं बल्कि किसी आदमी की आवाज लग रही थी। ये देखकर एक नन ने जेसिका पर होली वाटर डाल दिया और जेसिका की स्किन से धुआं निकलने लगा। उसके बाद कुछ ही पलों में वो शांत हो गई। इस हादसे के बाद से जेसिका की तबीयत खराब रहने लगी। उसके बर्ताव में काफी बदलाव आ गया था। वो अब चर्च में आती ही नहीं थी और देर रात तक कॉरिडोर्स में अकेले घूमती रहती थी। कभी वो बेवक्त हंसने लगती तो कभी कभी किसी आदमी की आवाज में अजीब अजीब सी आवाजें निकालती। कभी किसी पर जोर से दहाड़ती जैसे कोई जानवर हो, तो कभी कोने में बैठी रोती रहती। चर्च के सभी लोगों को समझ आ गया था कि जेसिका पोजेस हो चुकी है, इसलिए उसके एग्जॉर्सिज्म के लिए सभी ने तैयारी करनी शुरू कर दी। एग्जॉर्सिज्म की रात जब एक नन जेसिका के रूम में उसे देखने गई तो जेसिका वहां थी ही नहीं। वो नन उसे पूरे कमरे में ढूंढने लगी, मगर जेसिका कहीं नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो नन वापस जाने के लिए मुड़ी, उसका दिल बुरी तरह दहल उठा। जेसिका एक काला गाउन पहने दीवार से चिपकी पड़ी थी। क्रिश्चियनिटी में काले कपड़े लोग तब पहनते हैं जब कोई मर जाता है। जेसिका के मुंह से खून निकल रहा था। वो एक जानवर की तरह भारी आवाज में दहाड़ रही थी। अचानक वो उस नन पर कूद पड़ी। इतनी ही देर में जेसिका के कमरे में बाकी सब भी आ गए और उन्हें देखकर जेसिका पागलों की तरह हंसने लगी, गॉड की इंसल्ट करने लगी। प्रीस्ट ने उस पर जैसे ही होली वाटर डाला तो वो दर्द से चीख उठी और खुद को एग्जॉर्सिज्म से बचाने के लिए वो अपने कमरे की खिड़की से नीचे कूद गई। जेसिका की जान तो बच गई, मगर उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से वो फिर कभी चल नहीं पाई। इसके बाद जेसिका का एग्जॉर्सिज्म होना काफी आसान हो गया था, लेकिन जब तक चर्च के लोगों ने उसका एग्जॉर्सिज्म शुरू किया तब तक उसके अंदर का डेविल उसके अंदर से जा चुका था। जेसिका को चर्च के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, मगर प्रीस्ट जानना चाहते थे कि आखिर जेसिका के साथ ये सब क्यों और कैसे हुआ। उन्होंने जेसिका को हिप्नोटाइज करने का सोचा,
और एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर पता लगाने लगे कि आखिर हुआ क्या था। काफी ढूंढने के बाद उन्हें ये पता चला कि जेसिका की माँ एक कल्ट मेंबर थी, एक ऐसे कल्ट की मेंबर जहां काला जादू करने वाले और डेविल की पूजा करने वाले लोग। जेसिका की माँ ने डेविल को खुश करने के लिए कई सारी प्रक्रियाएं भी की। जब जेसिका छोटी थी तब जेसिका की माँ ने जेसिका के शरीर का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की थी, मगर जेसिका के पापा ने आकर उसे बचा लिया था, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। 4 साल की जेसिका किसी अजीब लैंग्वेज में कर्सेस बोलने लगी थी। उसका चेहरा डरावना हो गया था और उसने कहा कि वही अपने पापा की मौत का रीजन बनेगी और उनकी मौत के बाद ही डेविल का असली रूप इस दुनिया में आ जाएगा। अपना काला जादू उल्टा हो जाने की वजह से जेसिका की माँ की डेथ हो गई और जेसिका के पापा जानते थे कि जेसिका में भी इविल रह रहा है, इसलिए धीरे धीरे वो उससे दूर होते चले गए और उससे नफरत करने लगे। जिस रात जेसिका अपने भाई को लेकर घर से भागी, वो अपने पापा की शराब में जहर मिलाकर आई थी और उसके पापा की मौत तभी हो गई थी। उसके बाद से जेसिका पोजेस हो गई, जिसका मतलब ये था कि जेसिका को पोजेस खुद डेविल ने किया था। ये सब जानने के बाद प्रीस्ट का दिल बुरी तरह दहल उठा और उन्होंने जेसिका के भाई जॉन को अपने पास बुलाया। तब उन्होंने देखा कि जॉन की पीठ और हाथ पर अजीब से निशान बने हुए थे। वो समझ गए थे कि जेसिका भी अपनी माँ की तरह पोजेस्ड होकर डेविल की पूजा करने लगी थी और अपने भाई का शरीर उसी पूजा के लिए इस्तेमाल कर रही थी। ये सब पता लगने के बाद प्रीस्ट ने जेसिका पर कई सारे एग्जॉर्सिज्म किए, मगर जेसिका की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई और आखिर में उसकी मौत हो गई। जॉन की पूरी जिम्मेदारी चर्च ने ले ली और जेसिका के मर जाने के बाद भी चर्च के लोग उसकी मुक्ति के लिए प्रे करने लगे। कैसी लगी आपको ये कहानी?